खबरें शुरुआत करेंगे खबरों की। संभल में ट्रेन की चपेट में आकर 8 गायों की मौत हो गई। डीएम के आदेश के बाद भी खुले में छुट्टा गाय घूम रही है। गौशालाओं में समुचित प्रबंध नहीं है जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। पड़ोसी जनपद अमरोहा में 61 गायों की मौत का मामला भी ठंडा ही नहीं हुआ कि संभल में दिन निकलने के साथ ही 8 गायों की मौत से हड़कंप मच गया। गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बरवाला रेलवे स्टेशन का एक पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग में एक मोटा बजट खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालयों का शुद्धिकरण बच्चों की शिक्षा के लिए अहम कदम योगी सरकार उठा रही है। लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ के चिन्हट में एक शिक्षिका ऐसी भी है जो पिछले कई सालों से स्कूल में पढ़ाने तक नहीं जाती। बात करें तो शिक्षा विभाग से लगातार वेतन उठा रही है और शिक्षा विभाग को मोनालिसा गुमराह करके पिछले वर्षों से वेतन उठा रही है। पूरा घटनाक्रम में कई बड़े अधिकारी की लिप्तता पाई गई है। सहायक अध्यापिका का नाम रीता यादव बताया जा रहा है। प्रधानाचार्य श्रवण कुमार और ग्राम प्रधान देशराज ने लगातार शिक्षा विभाग में शिकायत भी की, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी अरुण कुमार ने बड़ा कदम उठाया और कहा कि 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें निलंबित भी किया जाएगा। लखनऊ के रॉयल कैफे होटल में अपनी फिल्म रक्षाबंधन के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आने वाली नई फिल्म को प्रमोट किया। 11 जुलाई को रिलीज हो रही रक्षाबंधन, अक्षय कुमार ने कहा कि इसमें मेरा रोल अपनी उन 4 बहनों को लेकर है जो मुझसे बहुत ही प्यार से हर बात मनवा लेती है और एक भाई का रोल निभा रहा हूँ। मैं अभी तक 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरी पसंदीदा फिल्म है। फिल्म प्रमोशन को लेकर वो जयपुरिया स्कूल हजरतगंज गए। उनके साथ डायरेक्टर डॉक्टर अनुभव एल रॉय ने कहा कि ये फिल्म अपने दिल और दिमाग से बनाई है। लखनऊ को लेकर कई तरह की बातें भी यहाँ पर की गई हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। वहीं मेरठ से श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा पुलिस ने मेरठ से उसकी गिरफ्तारी की। बता दें कि श्रीकांत त्यागी के फरार होने का एक पूरा मामला था। भंगेल में मौजूदा जमीन का सर्वे भी पूरा हुआ। श्रीकांत त्यागी के नाम पर करोड़ों की जमीन है। श्रीकांत त्यागी के नाम पर भंगेल में भी जमीन बताई जा रही है। 7,500 वर्ग मीटर जमीन पाई गई है। खसरा नंबर 130, 131, 133 में जमीन मौजूद है। प्राधिकरण जिला प्रशासन ने जमीन को तलाश किया है। भंगेल में मौजूद जमीन पर करीब 20 अवैध दुकानें हैं। प्राधिकरण अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की तैयारी में जुटी हुई है। प्राधिकरण का बुलडोजर भंगेल में चलने के संकेत नजर आए। त्यागी की मार्केट पर भी बुलडोजर चलने के संकेत मिले हैं और आखिरकार गालीबाज गिरफ्तार हुआ है जिसकी कई दिनों से तलाश की जा रही थी। जर्जर मकान तोड़ने के दौरान हुए हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है। बता दें कि मकान तोड़ने के दौरान छज्जा गिरने से 3 मजदूर घायल हुए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मजदूरों ने जर्जर मकान को तोड़ने का ठेका लिया था। जूही का रहने वाला है मृतक मजदूर बताया जा रहा है। जूही थाना क्षेत्र के जूही गाढ़ा इलाके का यह पूरा मामला। जूही हंसराज का मकान था, 60 से 70 साल पुराना। आप ये अपना मकान गिरवा रहे थे, मकान की छत, और उस दौरान फिर भी लोग काम कर रहे थे। विशाल 25 साल, रिंकू गौतम और मन्नी मेहताब, ये तीनों लोग काम कर रहे थे। लगभग 7 से 8 के बीच के दौरान छत बैठ गई जिसमें विशाल की मौत हो गई। रिंकू और मन्नी घायल है, उनकी स्थिति नॉर्मल है, लेकिन विशाल की मौत हो। यहाँ की अगर बात करें ज्यादातर इलाके के मकान जो जर्जर अवस्था में, इसके लिए क्या कदम? देखिए मेरी एक बात है, जो जर्जर मकानों की सूची जब तक घटना घटती है तभी केवल नगर निगम जाता है। जर्जर मकानों को बरसात में गिरवाना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं गिरवाया था। बिजनौर में एसपी दिनेश सिंह के सख्त निर्देश के बाद बदमाश पर पुलिस टूट पड़ी है। पुलिस ने लूट की घटना का 12 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को लूटी गई कार और घटना में इस्तेमाल तमंचों सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल बता दें कि 7 अगस्त को शुक्रवार जनपद फिरोजाबाद निवासी की
अल्टिका कार को एक व्यक्ति हरिद्वार से दिल्ली के लिए किराए पर बुक करके लाया था। 7 अगस्त शाम को नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत गगन नदी के पार करते ही कार बुक करने वाले व्यक्ति द्वारा ही चालक रामनारायण उपरोक्त को गोली मार दी गई और गाड़ी को लूट कर वो फरार हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। घायल रामनारायण मेरठ में उसका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार रोड दुर्घटनाओं और जाम से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को सख्त आदेश जारी कर रही है, पर अधिकारी सिर्फ खानापूर्ति कर अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही और लगातार हो रही दुर्घटनाओं से आम जनता बेहाल त्रस्त है। सोनभद्र के हाथीनाला शक्तिनगर मार्ग पर लगभग प्रतिदिन दुर्घटना में मौतें हो रही हैं। NCL बीना के पास कोयला खदान में जाने वाले ट्रकों का लंबा जाम लगा हुआ है। बीना से अनपरा थाना तक रोजाना इस तरह से जाम लगा रहता है। आम जनमानस पूरी तरह से आक्रोश है। विस्थापित संघ के अध्यक्ष राजकुमार भारती और स्थानीय नागरिकों ने NCL बीना प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर रोड पर लगने वाले अवैध जाम को हटाने की मांग भी की है। मेरा नाम प्रिंस राय है, सुरमा शक्ति नगर का निवासी हूँ। अभी आप लोग आए थे NCL बीना में ज्ञापन सौंपने के लिए, क्या मांग की आप लोगों ने? मुख्य मांग हम लोग की है कि आए दिन रोड समस्या का जाम लगता है और आए दिन एक्सीडेंट होती है जिसका किसी न किसी घर का चिराग रोज बुझता है और इस विषय को महाप्रबंधक नहीं सुनता है और अपने जनता के यहाँ के रोज चिराग जाते हैं जिसकी समस्या हम लोग झेलते हैं और यहाँ के ग्रामीण झेलते हैं। हम लोग को आश्वासन मिला है और अभी तक आश्वासन नहीं मिलता रहा है, कोई इस पे आज तक कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग आश्वासन जो मिला है अगर उस पे अमल नहीं करते तो आप लोग क्या करेंगे? अब आश्वासन तो हम लोग दे चुके हैं, ज्ञापन लिया जा चुका है, अगर अब बात नहीं मानी जाएगी तो हम लोग जनता बेवश होकर रोड पर जाम करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन NCL की होगी। यहाँ पे जो रोड पे जो जाम लग रहा है उसके लिए सर, तो इस पे आपने और आगे क्या कार्रवाई करेंगे, क्या किस तरह से इसको दूर करना है? समस्या पे विचार किया जा रहा है, हल निकाला जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को गति प्रदान करने के लिए फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चौहान ने अपनी लोकसभा में ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों और जिलाध्यक्ष को झंडे प्रदान कर आग्रह किया कि पूरी लोकसभा इसे उत्सव के रूप में मनाए। बीजापुर थाना क्षेत्र के अजी नदी के किनारे मियोपुर ब्लॉक प्रमुख मान सिंह गौड़ ने छठ पूजा घाट के निर्माण के लिए भूमि पूजन कर जरहा समेत आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश की। बता दें कि NTPC बीजापुर के आवासीय परिसर छोड़कर बीजापुर इलाके में कहीं भी छठ पूजा घाट नहीं है। काफी लंबे से श्रद्धालु भक्त पूजा घाट की मांग करते आ रहे थे। इस भूमि पूजन से क्षेत्र लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेंद्र सिंह बघेल, गणेश शर्मा, रवि गुप्ता, श्यामचंद्र जायसवाल, विनोद भारती काफी संख्या में मौजूद रहे। फरुखाबाद में मुहर्रम का त्यौहार मनाया गया। यहां पर ताजिया निकाल गई। ताजिया के साथ इमाम हुसैन को याद करते हुए अनेक अनुयायी चलते हुए नजर आए। इमाम हुसैन की शहादत के याद में मुहर्रम मनाया जाता है और ताजिया का जुलूस निकाला जाता है। करीब 1500 साल पहले सच्चाई और ईमान के लिए कर्बला की जंग में शहीद हुए थे इमाम हुसैन और उनके बेटे। मुस्लिम एकता की भी ये मिसाल है। मुहर्रम पर लोग हुसैन के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखते हैं। थाना मऊ दरवाज़ा क्षेत्र स्थित बने कर्बला में ताजिए पहुँच रहे थे। नोएडा के बाद अलीगढ़ में भी बीजेपी नेता की गुंडई CCTV कैमरे में कैद हो गई। यहां गांधी पार्क थाना इलाके में एक निजी हॉस्पिटल के बाहर मजदूरी कर रहे मजदूरों को बीजेपी नेता पूर्व जिला उपाध्यक्ष शैलराज सिंह ने अभद्रता करते हुए लात खूसों से थप्पड़ों से मारपिटाई की है।
वीर खालसा सेवा समिति की ओर से विशाल तिरंगा यात्रा बाइक रैली निकाल गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और खुद बाइक रैली में बाइक चलाकर शामिल हुए। इसके बाद बाइक रैली अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर गांधी समाधि, माला रोड, शाहबाद गेट, राधा रोड होते हुए रोडवेज और थाना सिविल लाइन्स पहुंची, जिसके बाद जगह जगह रैली का पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि तिरंगा यात्रा भाईचारे का संदेश देती है और लोगों को हर घर तिरंगा के लिए प्रेरित भी करेगी। काय की बाइक रैली है आज वीर खालसा सेवा समिति की ओर से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय जिलाधिकारी जी मौजूद रहे और बाइक रैली तिरंगा यात्रा के रूप में निकाली गई और संदेश दिया गया कि घर घर हमने तिरंगा लगाना है, भाईचारे का संदेश देना है। माननीय जिलाधिकारी जी पूरी रैली में साथ रहे और बड़ी संख्या में रैली में लोग मौजूद रहे। ये रैली अंबेडकर पार्क से शुरू होकर गांधी समाधि पहुंची, गांधी समाधि से शाहबाद गेट होते हुए राधा रोड और राधा रोड से ये रेलवे स्टेशन होते हुए जिसका समापन अंबेडकर पार्क में हुआ। रास्ते में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा की, जिससे कि एक माहौल बहुत ही बढ़िया देखा गया। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के रजीतपुर मोहल्ला में ताजिया रखने के दौरान बैंड बाजा को लेकर दो पक्षों में कहासुनी होने लगी और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि गोली चल गई, जिसकी वजह से एक पक्ष के चार लोग घायल हो गए। घायलों में की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया, जबकि तीन घायलों को गंभीर चोटें नहीं आए हैं। वहीं घटना की जानकारी होते ही सबसे पहले कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां से सभी घायलों को जिला अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया। घटना के कुछ देर बाद ही एसपी रोहन पिपोत्रे भी मौके पर पहुंच गए, जहां घटना के लिए उन्होंने जानकारी हासिल की है। साथ ही साथ माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सोमवार देर रात गश्त के दौरान माइलस्टोन 90 पर क्षेत्राधिकारी मार्ट की कार इंडिगो को ट्रक ने रौंद दिया। सीओ नीलेश मिश्रा, गनर संतोष कुमार और ड्राइवर घायल हो गए। मौके पर ड्राइवर विपिन की मौत हो गई। फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के गांव छपारा निवासी विपिन चालक है और सीओ और गनर का सिटी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के दौरान सीओ की पसलियां टूटी हैं और गंभीर चोटें आई हैं। गश्त के दौरान माइलस्टोन 90 पर नोएडा की ओर से आगरा रूट पर यू टर्न गाड़ी चालक ले रहा था। पुरानी रंजिश में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है। दबंगों की पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के पूरी बस्ती माजरे भिनौली का एक पूरा मामला। लखनऊ में सिविल अस्पताल मनोरंजन का अड्डा बना हुआ है। सिविल अस्पताल में बेल्टबाजी का वीडियो सामने आया है। सैकड़ों की संख्या में अस्पताल के कर्मचारियों ने रात भर पार्टी की है। अस्पताल में मौजूदा गार्ड से लेकर इमरजेंसी और ओपीडी के कर्मचारियों ने बर्थडे पार्टी हुड़दंग किया है। बर्थडे केक काटने के बाद बेल्ट चला है और सिविल अस्पताल की ओपीडी में रात 12 बजे से ये पार्टी चल रही थी। रात 12 बजे से कर्मचारियों ने हुड़दंग किया, बेल्टबाजी की है। सिविल अस्पताल में तमाम गंभीर मरीज भर्ती हैं। भर्ती मरीजों की नींद हराम हुई है। रात भर यूं ही हंगामा, हल्ला और डांस चलता रहा। शामली में सुबह होते ही उस वक्त सनसनी फैल गई जब सदर कोतवाली में तैनात एक हेड कांस्टेबल का गोली लगा शव खेत में पड़ा मिला। खेतमारी की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक के शव की शिनाख्त की और सूचना परिजनों को दी। पुलिस ने मृतक के शव के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने मृतक हेड कांस्टेबल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को शानदार बनाने के लिए भाजपा आजकल हर घर तिरंगा पहनाने की जोरदार तैयारियां पूरी दमखम के साथ कर रही हैं। इसी परिपेक्ष में भाजपा ने जिला मंत्री और हर घर तिरंगा के विधानसभा सचिव जगदलीप सिंह नेगी के दिशा निर्देश अनुसार और थराली मंडल अध्यक्ष रणजीत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में भाजपा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की।
सरोवर नगरी नैनीताल में जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल की अध्यक्षता में जनपद नैनीताल में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, इसको लेकर बैठक की गई। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने कहा कि 15 अगस्त के दिन सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने समस्त सरकारी ऐतिहासिक भवन 14-15 अगस्त को LED लाइट से लगाने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए भी यहाँ अपनी टीम को निर्देश दिए। रुड़की विकासखंड में सरकारी धन को किस तरह से बट्टा लगाया जाता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विकासखंड में पड़ने वाले गांवों की हालत खस्ताहाल है और विकासखंड नगर निगम क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य करा रहा है। इतना ही नहीं, करीब 10 लाख रुपए की इंटरलॉकिंग सड़क को ब्लॉक से बना दिया गया और अपना बोर्ड भी लगा दिया गया, जबकि निर्माणाधीन स्थल रुड़की नगर निगम का 19 वार्ड है। ताज्जुब की बात यह है कि सड़क को बने कुछ महीने हुए हैं और वो क्षतिग्रस्त होनी शुरू हो गई है। जब इस बाबत ब्लॉक अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने झबरेरा विधायक के ऊपर पल्ला झाड़ दिया। उधर विधायक महोदय इस बात से अनजान है, ऐसे में रुड़की विकासखंड के नगर निगम पर यह मेहरबानी कई सवाल खड़े कर रही है। भले ही सरकार ने मानसून सत्र से पहले कई सुविधाएं मुहैया कराने के दावे किए हों, लेकिन बीते एक महीने से सड़क बंद होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मामला पोखरी ब्लॉक का, जहां बीते 6 तारीख से पोखरी रोहता मोटर मार्ग बंद है और ग्रामीण एक वृद्ध बीमार को पैदल 4 किलोमीटर डंडी कंडी के सहारे अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत में गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर दिल्ली तक अपनी पकड़ फिर मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाले जाने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के कोने कोने में कांग्रेसी अपनी ताकत लगाने में जुटे हैं। इस संबंध में ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी। 12 राज्यों से होकर गुजरने वाली यात्रा 3600 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी उपस्थित रहेंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जगह जगह चौपाल लगाएंगे। बताया जा रहा है कि इस यात्रा में उत्तराखंड के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे, वहीं हजारों कार्यकर्ता भी अपनी अहम भागीदारी करते हुए इसकी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इस हिसाब से हम चल रहे 10,000 करोड़ का कर्जा हर साल बढ़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट ऑफ हमारा जो बजट है वो कर्ज के ब्याज में जा रहा है, सैलरीज और कर्ज के ब्याज में। हमारे पास बहुत कम परसेंटेज पैसा बच रहा है जो हमारे डेवलपमेंट पे लगेगा, तो उसका असर हम ही लोगों को झेलना है। हालात इतने खराब है सर कि दुर्दान अगर किसी को कहो, बहुत खराब भी अगर किसी राजा को माना गया होगा तो किसी की हिम्मत की भी तो दूर में टैक्स लगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव को शानदार बनाने के लिए आजकल चारों ओर हर घर तिरंगा फहराने की जोरदार तैयारियां देखी जा रही हैं। विभिन्न माध्यमों के प्रचार प्रसार से तैयारियां चल रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राजकीय महाविद्यालय मीन नारायणगढ़ के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर से बाजार के विभिन्न हिस्सों में रैली के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को लहराते हुए जन जागरण अभियान चलाया। दिनेशपुर थाना अंतर्गत चंडीपुर गांव के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की घर से गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के द्वारा नाबालिग लड़की की तलाश में कई स्थानों में पुलिस देती रही और आखिरकार फैक्ट्री के पास वार्ड नंबर 1 दिनेशपुर के निवासी मोहन मंडल के साथ लड़की की बरामदगी हुई है। पुलिस ने लड़की के बयान पर नाबालिग लड़की के साथ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही साथ आरोपी को जेल भेज दिया है। कुछ दिन पहले हमारे थाना क्षेत्र के किसी गांव के एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत कराया था कि कोई व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को ले गया है हल्ला फुसला कर। इस संबंध में मुकदमा दायर किया गया और उच्च अधिकारी के आदेश पर त्वरित एक टीम का गठन किया गया और परसों को जो है लड़की को नई उस लड़की के साथ बरामद करके लड़की को आवश्यक कार्रवाई कर जेल ले जाएगी। सर धारा कौन सी लगाई गई थी? 363 जो है पॉक्सो का मुकदमा।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।